हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसवा एकेडमी। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों अभी अभी मुझे यूपी बोर्ड का पेपर, जो हिंदी का पेपर है, वो अभी अभी मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए हिंदी का पेपर कैसा आया है। थोड़ा आसान है, थोड़ा टफ है, बहुत आसान नहीं कर सकते ना, बहुत टफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी अभी मुझे पेपर मिला है जिसका पेपर कोड है 302ZH। और देखिए यहाँ पे सामान हिंदी है और टोटल टाइम आपको पता ही है, पूर्णांक 100 नंबर के हैं। तो दोस्तों हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन देखिए कितने मस्त क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन जो बच्चा पढ़ा है बिल्कुल आराम से कर सकता है। और दोस्तों मैंने ऑफलाइन में जो बच्चे मेरे पास आए थे कि सर कैसा होगा हिंदी का पेपर, बहुत टफ समझ में आ रहा है, कुछ ये चीजें नहीं आ रही, गद्य से कहां से आएगा, पद से कहां से आ, मैंने जो चीजें बताई दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम चीजें फंसी है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम। यदि आप भी चाहते हैं कि ये चीजें आपको भी जल्दी से जल्दी मिले, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए जल्दी से घंटे को दबा दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे दोस्तों। देखिए खंड क से दिया हुआ है, जैसे आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं ऑप्शनल, तो इसमें दे दिया जैसे वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। तो यहां पे देखिए जैसे आपको ये दे रखा है कि ये देखिए दे रखा है आपको वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका ये है पृथ्वी पुत्र। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा, 10 क्वेश्चन दिया होगा वो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम लोग देखिए जैसे इसमें दे रखा है ख नंबर में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक कौन है, यशपाल कृत सिंहावलोचन रचना की विधा कौन सी है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन दिए, देखिए क्वेश्चन दिया निराला की साहित्य साधना, तो ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता था, इस तरह से देखिए दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है आपको, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन दिया, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो दोस्तों आपका यह है सरस्वती, इसका आंसर है। तो दोस्तों देखिए 10 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल दे रखे हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चीजों को देखिए आराम से बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आगे आते हैं, तो गद्यांश की बात करते हैं, तो देखिए गद्यांश में आपको 2 दे रखा है, जिसमें देखिए पहला दे रखा है जन का प्रवाह अनंत होता है सहस्त्र वर्षों के लिए। तो ये जो चीजें दी हुई है दोस्तों देखिए कितना आसान से चीजें दिया हुआ है। इसके बाद फिर दूसरा जो आपका गद्य वाला दे रखा है उसमें ये देखिए कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान। तो ये देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आराम से करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या दिया, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है, मेरे प्यारे नव जलद के से कंज से नेत्र वाले, ये देखिए एक आपको इसमें से करना है। और उसके बाद फिर आगे आते हैं, तो इसमें देखिए आपको दे रखा है कि आगे आते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन देने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। दिया देखिए डॉक्टर कन्हैया लाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद, हरिशंकर प्रसाद। देखिए कितना आसान है, यदि किसी को कुछ नहीं आता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो बिल्कुल आराम से लिख के चलाया होगा। और दूसरा दिया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बताइए, देखिए मैथिली सरल गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। देखिए खैवाले में दिया है एक कवि का साहित्यिक परिचय, मैथिली सरल गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों कुछ नहीं तो इसमें सुमित्रानंद पंत का आप लिख सकते हैं, जो प्रकृति के कवि है, बिल्कुल आराम से लिखिए। और देखिए छठवां दिया है पंचलाइट और बहादुर। देखिए पिछली बार क्या किया था इसने, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा दो ही नाटक दिए थे, लेकिन अभी कहानी क्या देखा, चारों की चारों कहानी बिल्कुल दे दिया, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, लाठी, कोई सा भी कर लीजिए। देखिए कितना आसान पेपर आया हिंदी का, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान से दिए, नंबर भी देखिए आपके 5-5 नंबर वाले हैं। उसके बाद फिर देखिए आपको दे रखा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, त्यागपति खंड का, तो चूंकि यूपी बोर्ड वाले में जो कुछ लोगों का है जिससे रिलेटेड होगा वो करेंगे। और जैसे यहाँ पे जो बच्चों का ज्यादातर जिन बच्चों का रिलेटेड होता है वो होता है रश्मिरथि खंड काव्य, रश्मिरथि खंड काव्य में देखिए ये दे रखा है आपको, रश्मिरथि खंड काव्य कथा का संक्षेप शब्द लिखिए, रश्मिरथि खंड काव्य का कुंती का चरित्र चित्र कीजिए। देखिए कितना आसान, कुंती का चरित्र चित्र एकदम आराम से बच्चे करके आए होंगे, बिल्कुल करके आए होंगे, कितना आसान पेपर आया है। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, संस्कृत का गद्यांश तो यदि कोई पढ़ा भी नहीं हुआ तब भी लिख के चला आएगा। एक ये देखिए गद्यांश दिया हुआ है, एक यहाँ पे देखिए दूसरा गद्यांश ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर आगे आते हैं, तो देखिए दिया एक श्लोक लिखने के, एक श्लोक दिया हुआ है उसका आपको संदर्भ से व्याख्या लिखना है, जी संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, उसके बाद व्याख्या लिखिए। ये श्लोक देखिए एक और दो श्लोक, दो श्लोक दिया हुआ है आपको, सिर्फ एक करना है इसमें, सोचिए। उसके बाद फिर नौवा दिया हुआ है मुहावरों और लोकोक्ति, एकदम आराम का क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना दुनिया को पता है सबसे प्रिय होना, पानी पानी होना, शर्मसार होना, हो गया दो आपका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखिए निम्नलिखित शब्द संधि विच्छेद कितना आसान है, वधुत्सव, वधुत्सव का मतलब क्या है, वधुधन उत्सव है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्वागतम का मतलब है सूदन आगतम है, देखिए सूदन आगतम, ये देखिए यहाँ पे जो दे रखा है ये सूदन आगतम, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए नायका दे रखा है, तो नायका का ये देखिए इसका दे रखा है नायका, तो इसका आप लोग संधि विच्छेद कर देंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नायधन का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दे रखा है विभक्ति और वचन लिखने के लिए दे रखा है सीताराम में, तो सीताराम में जो विभक्ति और वचन है बिल्कुल जो बच्चे पढ़े होंगे करके आए होंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जी हाँ बिल्कुल, सर्वस्विन में विभक्ति और वचन कौन सा दे रखा है, तो बिल्कुल जो बच्चे पढ़े बिल्कुल आराम से कर देंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे आते हैं देखिए आगे इसी तरह से क्वेश्चन दिए हैं, शब्द युग्म आ गया यहाँ पे, अभिराम अभिराम, देखिए अभिराम अभिराम, तो अभिराम का मतलब, अभिराम मतलब क्या है कि बिना रोक के लगातार जो चले आराम से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात बात दे रखा, बात तो आप जानते हैं बात क्या होता है, बात हवा को कहते हैं।
अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द में से एक के शब्द के दो अर्थ है लिखिए, एक शब्द के दो अर्थ, अब वर है, वर को तो दूल्हा को भी बोलते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, राग है तो ये सब चीजें है दी हुई है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक शब्द का चयन करके लिखिए वाक्यांशों में से, देखिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कितना आसान क्वेश्चन है यार, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता बताइए, जो ईश्वर में सॉरी जो ईश्वर में विश्वास करता है दे रखा है, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है सब जानते हैं, आस्तिक, बिल्कुल आस्तिक बोलते हैं। आगे चलिए देखिए कितना आसान, जाने की इच्छा रखने वाला या जिज्ञासु, देखिए कितना आसान आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। फिर आगे दे रखा है दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, उसने तीन पुस्तकें खरीदी, तो उसने तीन पुस्तकें खरीदी, कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखिए, मैं भोजन कर लिया हूं, एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे थे, इसको बिल्कुल आराम से आप सुधार के लिख लीजिए, जैसे मैं भोजन कर लिया हूं, तो मैंने भोजन कर लिया, बिल्कुल आसान सा था। वीर अथवा करुण, देखिए ये चीजें बिल्कुल एकदम रस, देखिए कितना वीर रस और करुण रस, देखिए दो में से कोई आपको एक लिखना है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, यमक अलंकार बच्चा बच्चा जानता है, यमक अलंकार क्या होता है, हाँ बच्चा बच्चा जानता है कि यमक अलंकार क्या होता है। उसके बाद आगे आते चौपाई, चौपाई बच्चा बच्चा जानता है, चौपाई हनुमान चालीसा सब पढ़ते होंगे, जी हाँ उसी में तो पूरी चौपाई है, पूरा लिख के आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कितना आसान सा पेपर आया है। आगे देखिए अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र, अब देखिए यहाँ पे आपका ये लेखन आ गया है, तो लेखन आपको लिखना समाचार पत्र को, तो जी हाँ संपादक के थ्रू आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं था। अब उसके बाद निबंध की बात करते हैं, तो निबंध देखिए, अब इससे आसान निबंध आपको क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए इससे आसान आपको निबंध, यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण नहीं लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या, सबसे पहले तो आपके देश में जनसंख्या इतनी तेज बढ़ रही है ना, तो ये तो क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों, बिल्कुल आना ही आना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको निबंध लिखना था, देखिए पेपर का जो पेपर हिंदी का था बहुत ज्यादा टफ नहीं है और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है, मीडियम क्लास का पेपर था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दो तीन है इसमें, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे कम से कम 80 से 90 नंबर के तो सारे बच्चे अटेंड किए होंगे, बिल्कुल एकदम आराम से 80 से 90 नंबर के अटेंड किए होंगे, और 80 प्लस नंबर तो इसमें सबको पाना चाहिए जो बच्चे पढ़े हैं। यदि जो भी पेपर का आपको आएगा, जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का, सबसे पहले आपको रेशवा एकेडमी पर उसके बारे में बता दिया जाएगा कि पेपर कैसा आया, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उस चीज का डिटेल वगैरह प्राप्त कर सके। तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, आगे के पेपर के बारे में आपको वीडियो बना के बताया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही जुड़ जाइए हमारे चैनल से, जी हाँ आज ही जुड़ जाइए, और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रखे हैं उनको घबराने की बात नहीं है, अच्छे अच्छे ट्रिक रेशवा एकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगा, आप उन सब चीजों से पढ़ के जाइए, पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे आप, लेकिन यार कहते हैं ना पास होने से क्या फर्क पड़ता है, नंबर अच्छे आने चाहिए, तो नंबर अच्छे आने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और जल्दी से चैनल में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन अगला पाने के लिए रेडी हो जाइए, तब तक के लिए बाय बाय।